लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन केवल अपनी फिल्मों को लेकर ही नहीं बल्कि अपने अफेयर को लेकर भी सुर्खियों में रहे। अमिताभ बच्चन को लोग प्यार से शहंशाह भी कहते हैं, लोग उन्हें सदी का महानायक भी कहते हैं। अमिताभ बच्चन को 3 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमिताभ बच्चन ने अपना करियर फिल्म साथ हिंदुस्तानी से शुरू किया था, हालांकि उन्हें उस फिल्म से कुछ खास कामयाबी नहीं मिली। बता दें कि अमिताभ बच्चन और रेखा के अफेयर की खबरें खूब सुर्खियों में रहती थी, हालांकि इन दोनों की मोहब्बत अधूरी रह गई। फिल्म दो अनजाने में अमिताभ और रेखा ने पहली बार काम किया था। इस फिल्म के दौरान ही दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे। इसके बाद रेखा और अमिताभ बच्चन ने कई और फिल्में एक साथ की। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गई। दोनों की जोड़ी को बड़े पर्दे पर भी काफी पसंद किया गया। अमिताभ बच्चन रेखा से शादी कर चुके थे, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि अमिताभ बच्चन रेखा और जया से पहले बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के प्यार में भी पड़ गए थे। फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन हेमा की खूबसूरती पर मरमिट्टे थे। फिल्म शोले में हेमा मालिनी ने बसंती का किरदार निभाया था। इस फिल्म के दौरान अमिताभ उन्हें दिल दे बैठे। इसके बाद अमिताभ और हेमा के रिलेशनशिप की चर्चा होने लगी, हालांकि उनका यह रिलेशनशिप बहुत जल्दी खत्म हो गया।